वाणी होली से संबंधित कुछ जानकारियां भाग दो। सभी पवित्र आत्माओं से मेरा निवेदन है कि होली की पूर्णिमा है, इस दिन तांत्रिक क्रियाएं सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, इस कारण इनसे आप भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको तथा आपके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। इनसे बचने के लिए आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं कि होली वाली पूर्णिमा में जो तंत्र प्रयोग होते हैं उनमें सफेद खाद्य पदार्थ का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। होली का दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। उतार और टोटके का प्रयोग सिर पर जल्दी होता है, इसलिए सिर को टोपी से ढक करके रखें और महिलाएं हैं तो वो चुनरी से ढक करके रखें, साड़ी पहनती हो तो पल्लू अपने सिर पर रखें। टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने कपड़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि कपड़े चोरी ना हो, कपड़े गायब ना हो, बाहर कपड़े ना सुखाएं, अन्यथा शत्रु आपके कपड़े ले जाकर उसके ऊपर टोने टोटके करता है। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल को रखना चाहिए। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। यदि पहले से ही कोई टोटका होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा या वर्तमान में जो होने वाला होगा वह भी रुक जाओगा। बहुत से काली हल्दी के टोने टोटके करते हैं, घर की तंगी न आए इसके लिए टोटके करते हैं, घर में बीमारी न आए इसके लिए टोटके होते हैं, और परेशानियों से निजात के लिए भी होली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। होली दहन के दूसरे दिन होली की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रखना चाहिए। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। घर के प्रत्येक सदस्य को होली का दहन में देशी घी में भिगोई हुई दो लौंग, एक बतासा और एक पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। होली की 11 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है व कष्ट दूर होते हैं। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें, जो रात को जल्दी होली में उन्हें डाल दें। होली दहन के समय पर 7 गोमती चक्र लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न डाले। प्रार्थना के पश्चात पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ गोमती चक्र होली दहन में डाल दें। यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होली दहन के दिन रात्रि में शिवलिंग पर चढ़ा दें। नवग्रह बाधा के दोष को दूर करने के लिए होली की राख से शिवलिंग की पूजा करें तथा राख मिश्रित जल से स्नान करें। होली की रात्रि को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर पूजा करना चाहिए व भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रयोग से बाधा निवारण होता है। होली वाले दिन किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। कुछ स्वार्थ व्यक्ति जो गलत काम करते हैं, होली पर पान के पत्ते, काले तिल, सिंदूर, कपूर, नारियल, लाल मिर्च, चूड़ी, सफेद खाद्य पदार्थ व मल व गंदगी आदि से टोने टोटके और तंत्र मंत्र करते हैं। होली का दहन रात्रि सिद्ध मुहूर्त होने के कारण इस दिन किया हुआ तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। जो मनुष्य एक दूसरे से जलता है उसके बचाव के लिए हमें अपने चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र अवश्य बनाना चाहिए, वरना पूरे जीवन भर परेशानी होती रहती है। तंत्र मंत्र प्रभावित व्यक्ति के ऊपर बिना चोट के शरीर पर नीला निशान व सिर में दर्द रहता है व उनके जीवन में कोई ना कोई खुशी का अवसर आने के पहले ही रुकावटें आ जाती है। जब ऐसा होता है तो इसका उपाय है कि तंत्र मंत्र का सबसे पहले प्रभाव सिर पर होता है, इसलिए होली पर सिर ढक करके रखें। अन्य व्यक्तियों से सफेद खाद्य पदार्थ बिल्कुल न लें एंड किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़े बिना धुले न दें।
टोने टोटके का प्रभाव कम करने के लिए जो उपाय बताएं वो आप उपाय अवश्य करें। एक और विशेष बात जो हमारी परंपरा है कि होली के दिन काले वस्त्र बिल्कुल ना पहने, नीले वस्त्र बिल्कुल ना पहने। जिस लड़की की ससुराल में पहली होली हो वो होली का दहन ना देखें, अन्यथा परेशानी दुख तकलीफ उत्पन्न होगी, हो सकता है तलाक भी हो जाए या फिर कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो सकती है जिसमें वो विधवा भी हो सकती है। इसलिए जिस लड़की की पहली होली ससुराल में हो रही हो वो होली दहन बिल्कुल ना देखे। ऐसे तो हमारी परंपरा के अनुसार जो पहली होली को लड़की को मायके में लेके आ जाते हैं, पर कुछ परिस्थितिवश नहीं ला पाए तो उसको होली दहन नहीं देखना चाहिए। आर्थिक परेशानी और सुख शांति के लिए होली के दिन मां लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति के समक्ष घी के 9 दीपक जलाना चाहिए और प्रार्थना करें कि मां लक्ष्मी से सुख शांति के लिए, क्योंकि होली की रात दारुण रात्रि होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें सब काम हो सकता है, अच्छा काम भी हो सकता है, बुरा काम भी हो सकता है, बशर्ते कि आपको ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, आप प्रयोग करें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। मुझे उम्मीद है आप इनका प्रयोग करोगे। होली की रात्रि को सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलाकर पूजा अवश्य करना चाहिए और भगवान से सुख समृद्धि शांति की प्रार्थना करना चाहिए। यदि बुरा समय चल रहा हो तो होली के दिन पेंडुलम वाली नई घड़ी पूर्वी या उत्तर वाली दीवार पर लगाना चाहिए, फिर आप देखिए परिणाम स्वयं आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ फायदा हो रहा है। यदि किसी का राहु चल रहा हो, राहु बहुत खराब हो, तो एक नारियल का गोला लेकर उसमें तिल के तेल भरकर, नारियल के गोले में तिल का तेल भरकर उसी में थोड़ा सा गुड़ डालें, फिर उस नारियल के गोले को राहु से ग्रसित व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करवाकर जलती हुई होलिका में डाल देवें, पूरे वर्ष भर राहु से परेशानी की संभावना नहीं रहेगी। मनोकामना पूर्ति है तो यदि किसी की मनोकामना है वो पूर्ति करना हो तो होली के दिन शुरू करके प्रतिदिन हनुमान जी को 5 लाल के पुष्प चढ़ाएं। स्वास्थ्य लाभ यदि लेना हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट से ग्रस्त रोगी से छुटकारा दिलाना हो तो जौ के आटे में काले तिल एवं सरसों का तेल मिलाकर मोटी रोटी बनाएं और उसे रोगी के ऊपर से 7 बार उतारकर भैंस को खिला दें। यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य करने की प्रार्थना करते रहें। और व्यापार लाभ करना हो तो होली के दिन गुलाल के कुछ खुले पैकेट में 1 मोती शंख और चांदी का सिक्का रखकर उसे लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखे, व्यवसाय में लाभ होने लगेगा। होली के अवसर पर एकाक्षी नारियल की पूजा करके लाल कपड़े में लपेटकर दुकान में या व्यापार स्थल पर स्थापित करें। साथ ही स्फटिक का शुद्ध श्री यंत्र रखें। उपाय निष्ठापूर्वक करें, लाभ में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। यदि आपका बार बार धन की हानि हो रही हो तो होली के दिन मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कें और उस पर द्विमुखी मतलब 2 मुख वाला दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय धन हानि से बचाव की कामना करें और दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल दें। यह क्रिया पूर्ण श्रद्धापूर्वक निष्ठापूर्वक विश्वास के साथ करें, धन हानि से बचाव होगा। और यदि किसी को दुर्घटना से बचाव के लिए टोटका करना हो तो होली दहन से पूर्व 5 काली गुंजा लेकर होली की 5 परिक्रमा लगाकर अंत में होलिका की ओर पीठ करके 5ों गुंजाओं को सिर के ऊपर से 5 बार उतारकर सिर के ऊपर से होली में फेंक दे, पीछे मुड़ के नहीं देखें और सीधा घर आकर के हाथ पैर धो लें। होली के दिन प्रातः उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से कोई वस्तु न ले जिससे आप द्वेष रखते हो। होली के दिन आप सिर ढक करके रखें, किसी को भी अपना पहना वस्त्र या रुमाल नहीं दें। इसके अतिरिक्त इस दिन शत्रु या विरोधी से पान, इलायची, लौंग आदि न लें। आपके घर में कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है और उसको रोग नहीं छोड़ रहे हो तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र बीमार व्यक्ति के शरीर से 21 बार उतारकर होली की अग्नि में डाल दें, शारीरिक कष्टों से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। यदि किसी को माता निकलती हो, चेचक वाली माता निकलती हो, तो शीतला माता की पूजा अवश्य करें, होली की पूजा अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।